और आज आपको कालका की आवाज़ के साथ लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जो कि हमारी विरासत की चीज़ें हैं। डिजिटल इंडिया की ओर में हम लोग अपनी विरासत की जो चीज़ें हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वह दिखाएं कि आज हम डाकखाने की जो स्थिति बुरी स्थिति के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आधुनिकता की होड़ में जमी दोझात हो रही धरोहर को बचाने की आज जरूरत। जहां हम एक तरफ 5G के जमाने की बातें करते हैं और चंद्रयान 3 की सफलता पर फूले नहीं समा रहे, वहीं हमारी पुरातत्व धरोहर समाप्त होने की कगार पर पहुंच। देखा कि किस प्रकार बोर्ड भी एक खंडर हालत में हुआ। मैं अंदर आपको ले चलता हूं और भी आपको ऐसी चीजें दिखाता हूं जिसे देख कर अंदर से रो उठेगा। मैं आइए अपने दिखाता हूं कि किस प्रकार ये खंडर। डिजिटल इंडिया की इस चकाचौंध में हम अपने बुजुर्गों की बनाई धरोहर और उनकी संघर्ष की दास्तान को इस कदर भूल चुके हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सिर्फ एक कहानी बनकर सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी इस विरासत को हुबहू सही सूरत में अपनी आने वालों नस्लों तक छोड़ कर जाए, जिससे उनके द्वारा हमारी संस्कृति और बदलाव के दौर को महसूस किया जा सके। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग कितनी जर्जर हालत में है और बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। आज हम लोग डिजिटल इंडिया के अंदर चंद्रयान तक पहुंचने की हम लोग कामयाबी की हम लोग खुशियां बांट रहे हैं, परंतु आज हम अपनी विरासत में दी हुई चीजों को भी खोते जा रहे हैं। मैं मौजूदा प्रशासन और इनसे जुड़े हुए सभी प्रशासन के अधिकारियों से यही चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोग इस ओर भी ध्यान दें, ताकि ये जो चीजें हैं हम अपने आने वाली नौजवान जो पीढ़ी है उन्हें भी हम लोग दिखाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद था कि जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये विरासत में जो चीज़ें बनाई गई थी, जो आज हमने चंद्रयान तक पहुंचने का सफर तय किया है, हम सिर्फ इतनी सी गुजारिश यही चाहते हैं सरकार से कि इन चीज़ों को भी हम लोग संभाल के रखें ताकि आने वाली नौजवान पीढ़ी को हम दिखा सकें। तो दोस्तों, ये था ये आज का मेरा विशेष एक एपिसोड। यदि आप सबके पास भी है कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करें और देखते रहिए मेरे साथ कालका की आवाज़।